Hi everyone, this is Meenakshi and welcome back to my channel eKaksha. And today we discuss the topic life cycle of silk moth. This is the chapter number 3 of class 7 science book fiber to fabric. Chapter name is fiber to fabric. Let's start. देखिए जो आपका जो सिल्क मॉथ होता है या फिर जिसे हम मलबेरी मॉथ भी बोलते हैं, ये है आपका जिससे इसको सिल्क मॉथ क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सिल्क प्रोड्यूस करता है, सिल्क बनाता है. लेकिन इस वाली स्लाइड में हम इसका देखेंगे लाइफ साइकिल. ठीक है, लाइफ साइकिल देखेंगे इस वीडियो में, हम इसका पूरा समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले इसको मैं अपनी भाषा में यानी अच्छे से आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देती हूँ, देन उसके बाद इसकी हम थ्योरी करेंगे. ये है आपकी फीमेल अडल्ट सिल्क मॉथ, ये है आपका मेल, और ये दोनों जब मिलते हैं, इनकी मैटिंग होती है, उसके बाद जो आपकी फीमेल है, जो सिल्क मॉथ है, जो फीमेल है, जो अडल्ट है, वो 100 ऑफ एग दे देती है. ठीक है, और वो कहाँ देती है एग, किसी पत्ते पर, जो कि किसका पत्ता होता है, वो होता है शहतूत यानी मलबेरी ट्री. मलबेरी ट्री में बहुत सारी लीव्स होती हैं. ठीक है, उन पत्तों पर ये अपने अंडे दे देती है. ठीक है, इन अंडों में से हैच होता है और एक लार्वा बाहर निकलता है या एक कैटरपिलर बाहर निकलता है, जिसे हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे, हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं. सिल्क वॉर्म क्या करता है, सिल्क वॉर्म उस स्टेट में बहुत सारे शहतूत के पत्ते यानी मलबेरी लीव्स को खाता है और साइज में फटाफट इंक्रीज होता है और लगभग 20 से 25 दिन इसे अपना साइज बढ़ाने में लगते हैं. उसके बाद ये क्या करता है, खाना खाना बंद कर देता है और अपने चारों तरफ एक तरह का एक अपने मुंह से एक लार छोड़ता है और अपने चारों तरफ एक तरह का जाल बनाना शुरू करता है. ये जाल क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन है. और जैसे ही इसको हवा लगती है, यानी भाई वो अपने चारों तरफ जाल बना रहा है, तो वो हार्डन हो जाता है और यही इसी हार्ड को सॉफ्ट करके सिल्क प्रोड्यूस होता है. सिल्क की बाद हम बात में करेंगे, फिलहाल आज हम जो कर रहे हैं वो है इसका लाइफ साइकिल. इसने क्या है, अपने आप को एक कमरे में, हम एक घर में बोल सकते हैं, एक छोटे से एक उसमें कैद कर लिया है इसने अपने आप को. और अब ये अंदर ही अंदर डेवलप होगा, जो इसकी जो बाहर वाला जो ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसने इसने अपने आप को, ये कहलाता है कोकून. क्या कहलाता है ये, दिस इज द कोकून. और इसके अंदर अगर हम इसे कट करके देखें तो इस तरह का एक इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्यूपा. ये प्यूपा डेवलप हो रहा होता है लगातार और ये फाइनली इस कोकून को कट करके बाहर उड़ जाता है, एक अडल्ट मॉथ बनकर उड़ जाता है. ठीक है, ये इसका सिंपल लाइफ साइकिल है. अब हम इसके बारे में थोड़ा थ्योरिटिकल पढ़ लेते हैं. द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग, यानी कौन देती है, आपके जो फीमेल होती है वो एग देती है. फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स, उसमें से क्या निकल जाते हैं, सिल्क वॉर्म्स. वो क्या खाते हैं कैटरपिलर्स, वो कैटरपिलर्स खाते हैं मलबेरी लीव्स और इंक्रीज देयर साइज रेगुलरली, यानी वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन अपना साइज को काफी डेवलप कर लेते हैं. उसके बाद वो बुनना स्टार्ट करते हैं एक नेट, वो खाना करते हैं बंद, उसके बाद वो अटैच हो जाते हैं और अपने आप को होल्ड करना स्टार्ट करते हैं एक है ना नेट के अंदर. देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड, यानी उस कैसे करते हैं, ये जो कैटरपिलर है ये अपने नेक को यहाँ से घुमाना स्टार्ट करता है, वहीं से तो लार्वा बाहर आएगा, सॉरी वहीं से सलाइवा बाहर आएगा. ये जो हेड है उसको ऐसे ऐसे कभी इधर घुमाता है, कभी इधर घुमाता है, और एक नेट जैसे डांस करते वक्त गर्दन घूमती है ना, उसी तरीके से ये डांस करना स्टार्ट करता है. ये मजाक की बात थी. तो वो होल्ड करने के लिए वो स्विंग करता है अपने हेड को, कभी इधर घुमाता है कभी इधर, और पूरी बॉडी को कवर कर लेता है. सिंपल. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन, मैंने अभी बताया, और वो हार्ड हो जाता है एक्सपोज्ड टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. यही सिल्क फाइबर है जिससे कि हम इसको क्या कहते हैं, सिल्क मोथ कहते हैं. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. देखो समझने वाली बात है, आप जो इसकी जो ये कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोकून. और जो इसके अंदर के अंदर जो एक एनिमल छोटा सा है उसे आप जिस स्टेट में है वो स्टेट होती है इसकी प्यूपा स्टेट. ठीक है, और प्यूपा से वो डेवलप होके बड़ा बन जाएगा. तो ये समझने की बात है. Soon ये हो गया है, दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून.
The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. The moth comes out of the cocoon और वो निकल के क्या हो जाता है? उड़ जाता है. तो अब इसमें आपको मैं समझा सकती हूँ. देखिए ये अपना अडल्ट मोथ है जो कि व्हाइट कलर का है. ये लीफ है, मलबेरी लीव्स है. ये यहाँ से इसने क्या दिए? अंडे दिए. अंडे देने के बाद में इस अंडे से हैच होके, एग से हैच होके एक छोटा लार्वा निकला जिसने इस लीफ को अपना खाना बनाया, फूड बनाया और साइज में बड़ा हुआ. बड़ा होने के बाद इसने क्या किया? स्टॉप ईटिंग यानी खाना किया बंद और अपने इस हेड को हर साइड टू साइड घुमा के इसने अपने आप को एक कोकून में कवर कर लिया. देन फर्दर इसके बाद इसने कोकून को अपने टीथ से जब अंदर अंदर डेवलप हो गया, उसको उड़ना है तो इसने इसको कट किया और ये बाहर निकल के उड़ गया. तो ये है आपका लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. ठीक है, सिंपल ये हो गया फिनिश्ड. और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग और समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा. बाय बाय.